अजमेर में बीती रात प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो किन्नर समाज के गुट आमने सामने हुए। इसमें से किरण भाई गुट ने आज एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग के साथ ही संध्या सलोनी गुट के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। किरण भाई किन्नर ने बताया कि वह अजमेर ब्यावर सहित आसपास की गद्दी नशीन है। ऐसे में सलोनी व संध्या जबरन दस्तावेज बनाकर अजमेर में कब्जा कर बैठी हैं और अन्य जगहों पर भी कब्जा करना चाहती हैं। इस नियत से वह आए दिन मारपीट व तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देती हैं। इसीलिए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर और सलोनी संध्या गुट पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात की है। अगर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर किरण भाई किन्नर ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा राम मेवाड़ की पूरी गद्दी पति नहीं हूँ किरण भाई। ये जबरदस्ती गद्दी मांगते मैं जबरदस्ती नहीं दे सकती हूँ। पंचों ने क्या करे डुप्लीकेट पंचों ने जो पंचनामा बना के दे दिया। अब पंच को मैं भी बुलाना चाहती हूँ कि पंच आके ना बैठ के मेरे से बात करे। जब तक बाप नहीं लिखेगा जहाँ तक मानना नहीं होगा सुनने जाएगा ये मानना, ठीक है ना। आन रात को हमारे घर में गए आता पाई करी गेट तोड़ दिया हमारा बाटा फेंके। आन उल्टा कह रहे तुमने बाटा फेंके ऊपर से। आप सारा तहकीकात कर सकते मीडिया वाले अखबार वाले एसपी डीएसपी सब तहकीकात कर सकते। कहाँ से पत्थर फेंक सकते हम। आज एसपी के पास आई मैं मारपीट किसने करी बिजली संध्या सारा उनका जितने किन्नर आए उठे गिरे जयपुर से भी आए उठे गिरे। आगे अजमेर में कांड हुआ था बम का जो किन्नरों के घर में ठहरे थे जयपुर में वही किन्नर यहाँ पर आए हुए हैं। क्या वजह मारपीट क्या वजह वही हवेलियों की मारपीट है। हमारी हवेलियाँ दे दो वो दे दो। मैं हवेली नहीं दे सकती ऐसे जागीर जबरदस्ती नहीं दे सकती। प्यार से सब कुछ होता दादागिरी से नहीं दे सकती हूँ। आज एसपी साहब मेरी सुनवाई नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या करूंगी। अब बस आखिरी हो गई मेरी बहुत सुनवाई का भाग दौड़ कर ली मैंने। अब थाने पर गए कभी थाने पर गए तो क्या गए गंज वालों ने क्या करा कि राजीनामा कर लो राजीनामा के लिए तैयार होगी 20 लाख मांगा 20 करोड़ 2 करोड़ मांगने की तैयारी हुई 2 करोड़ देने की हाँ कर ली कि बेटा दे सकती हूँ पर मेरे पास नगद नहीं है। आप ऐसा करो मैं मकान लिख सकती हूँ आपको दुकान लिख सकती हूँ। बोले ठीक है गुरु सुबह लिख देना। सुबह हमारी बात हुई बोले कि वो भी हवेली लिखो वो भी हवेली लिखो मैं नहीं लिख सकती हूँ। आन कहते हैं कि लुगई बच्चे वाले हैं सब किन्नर की तहकीकात की जाती है कि कौन असली है कौन नकली है। जो जो मांगते हैं ना भीख मांगने जाते हैं बदई टोली पे सब असली किन्नर होते हैं ठीक है ना। नकली डुप्लीकेट सारे घर पे आओ मैं सारी हकीकत बता दूंगी अब है ना। किशनगढ़ वाले भी इनके कह रहे हैं कि किरण से लिखवा लो दादागिरी से लिखो लो। मैं दादागिरी से आज लिख के दूँ नकल दूँ। नागौर वाली आती रागनी है ना नागौर से आती को क्या करती वो 3 गद्दी की मालिक नहीं है। जोधपुरी 5 गद्दी की मालिक नहीं है। किशनगढ़ वाली 3-4 गद्दी की मालिक नहीं है। तो मैं हूँ तो क्या हो गया मैं भी 10 गद्दी की मालिक हूँ।